हे गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत ही जल्द न्यू ईयर आने वाला है, तो मैंने सोचा कि न्यू ईयर के ऊपर एक फ़ोटो एडिटिंग क्यों ना बनाया जाए। तो फाइनली आज मैं लेके आ गया हूँ एक न्यू ईयर वाला कॉन्सेप्ट, फ़ोटो एडिटिंग। ठीक है, अब बस वीडियो में बने रहे, एंड तक देखिए, आप लोगों को पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगा जिसका नाम है पिक्सआर्ट। पिक्सर अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो पहले आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको स्क्रीन पे इधर एक बैकग्राउंड शो हो रहा होगा, ठीक है, तो इस बैकग्राउंड को पहले डाउनलोड कर लेना होगा। तो इसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको पिक्सर आपको ओपन करना है और ये वाला बैकग्राउंड उधर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इधर आपको दाएं तरफ नीचे स्क्रॉल करते ही ऐड फोटो वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर जाना होगा और गैलरी से ये वाला पीएनजी ऐड करना है। तो मैं वीडियो में मतलब जो जो पीएनजी इधर मैं ऐड करूँगा सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से आप लोग इसको इजी से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको इधर ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से सेट करना है और फिर से इधर से आपको राइटर पे क्लिक करके फिर से ऐड फोटो के अंदर जाना है और गैलरी से ये जो मतलब प्लेन का पीएनजी था उसको इधर ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको कुछ मिडिल पे कुछ इस तरह से लगाना है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से कुछ सेट कर दीजिएगा इसको। ठीक है, तो आप आपके हिसाब से रखिएगा साइज को। फिर ये जो मतलब ईयर का लोगो है इधर, इसको इधर फॉन्ट पे सेट करना है कुछ इस तरह से, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और भी इस तरह से लगा देते हैं। और फिर इधर से राइटर पे क्लिक करके अभी हम लोगों को जो करना है मॉडल का पिक इधर ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने इधर मॉडल का पिक को लेके आ गया हूँ गैलरी से। तो इसको भी क्या करना है, कुछ इस तरह से साइज को करके मिडिल पे सेट करना है, 20 और 22 के बीच में। ठीक है, मतलब फॉन्ट में। ठीक है, कुछ इस तरह से सेट करना है। फिर आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे जाके एक डुप्लीकेट इधर से क्रिएट करना है और इसको रोटेट करके कुछ इस तरह से लगाना है। ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनल लुक आ जाएगा इसमें से, इस तरह से। फिर इतना तो तक हो जाने के बाद आपको इधर से राइटर पे क्लिक करना है और अभी एक और पीएनजी रह गया है सिर्फ, तो हमारा जब पटाखा था उसका पीएनजी इधर ऐड करना है। तो इसको मैंने लेके आ गया हूँ गैलरी से। इसको क्या करना है, साइज आप आपके हिसाब से इधर रख सकते हो। मैं इधर इसका साइज़ इस तरह से रखता हूँ और फिर ये वाला ऑप्शन से सेम प्रोसेस से डुप्लीकेट एक क्रिएट कर लीजिए। फिर इसको भी इधर सेट कर दीजिए कुछ इस तरह से, इधर से इसको राइट पे क्लिक करना है। तो अभी देख सकते हो मॉडल हमारा थोड़ा सा फेक सा लग रहा है और फोटो को भी थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, दो नंबर पर एक टूल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर जाके एक एडजस्ट वाला ऑप्शन आएगा, इस पर जाना होगा। जाने के बाद दो नंबर पर रहेगा कॉन्ट्रास्ट, इसको आपको इंक्रीज़ करके 24 तक कर देना है। सिचुएशन को बढ़ा के इधर 24 तक लेके कर देना है और जो इधर शैडो है शैडो को थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है -12 तक। ठीक है, और टेम्प को थोड़ा सा इधर डिक्रीज़ करना है -6 के आसपास। तो अभी देख सकते हो फेस पे थोड़ा बहुत इफेक्ट लग गया है हमारा। इसको हटाने के लिए इरेज वाला ऑप्शन है, इस पर जाके इरेज वाला ऑप्शन पर जाके साइज़ को छोटा कर लीजिए। छोटा करके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से कुछ एक सेकेंड इसको बढ़ा लेते हैं, ड्रॉ कर लेना है। तो जो इफेक्ट आया था वो हट जाएगा और हमारा फेस पहले जैसा था उस तरह का हो जाएगा इधर स्क्रीन। ठीक है, तो देख सकते हो फोटो एकदम पूरी तरीके से एडिटिंग हो चुका है। इसको अभी सेव करना है गैलरी के अंदर, तो फोटो एकदम एचडी में रहे उस तरह से अब हम लोगों को सेव करना है। तो नीचे स्क्रॉल करते आप लोगों को पता ही होगा कि ड्रॉ टूल में जाके एक 3 डॉट मिलता है इधर, इस पे जाके एक सेव इमेज वाला ऑप्शन है। इधर से ही सेव करने से फोटो का क्वालिटी एकदम एचडी में रहता है। तो मैंने सेव कर लिया। तो गाइस, वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक करना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई, नया चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए भाई, आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।